राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। इससे पहले भाजपा ने अपना चुनावी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए संकल्प यात्रा तक निकाली थी, जिसमें संकल्प रथ हर जिले और विधानसभा में पहुंचे थे। पार्टी के अनुसार संकल्प पत्र बनाने से पहले आम जनता की इच्छा और समस्या जानने का प्रयास किया गया था। गुरुवार को भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने जन जन की पुकार, आ रही है भाजपा सरकार का नारा भी दिया है। 75 पन्नी के संकल्प पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए संकल्पों पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला थाना स्थापित किए जाएंगे, सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करेंगे और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी प्रमुख शहरों में पिंक बस का नेटवर्क भी शुरू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा भाजपा ने कहा कि वह पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करेगी और इसका 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया जाएगा और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड, हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन